हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट हफ्ते के अंदर पार्ट 9 का आधा और चौथाई का पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास किया था। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है अभ्यास का समय। क्या करना है? पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, हर एक आकृति के नीचे लिखो। हमें यहाँ पर दो चौरस लंब चौरस दिए गए हैं और उनमें से उसके कितने भाग किए गए हैं और कितने भाग में रंग किया हुआ है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक आयत का चित्र दिया गया है और उसके दो हिस्से किए गए हैं। यानी कि अब हमें सीधी भाषा में देखेंगे तो जितने हिस्से होते हैं एक आकार का, उसको हमें नीचे लिखना है और वो दोनों आकार में से कितने भाग में रंग किया है उसको हमें ऊपर लिखना है। यानी कि 1/2, यानी कि दो हिस्से में से एक भाग के अंदर रंग किया गया है, इसको हम 1/2 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आयत दिया गया है जिसके चार हिस्से हैं, तो चार हिस्सा है उसको हम नीचे लिखेंगे और उन चारों हिस्सों में से कितने हिस्से में रंग किया गया है, दो हिस्से में। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि 2/4, यानी चार हिस्से का दो हिस्सा, चार हिस्सों में से दो हिस्से का हमने इस्तेमाल किया है, दो हिस्से में रंग भरा है। आगे देखेंगे, हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जितना हिस्सा लिखा गया है उतने हिस्से में हमें रंग भरना है। अब हम पहली आकृति यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखा है। अभी हमने ऊपर तो देखा कि एक हिस्से का दो भाग किया गया है, तो हमने दो हिस्सा नीचे लिखा है और ऊपर एक हिस्से में रंग भरा गया है तो उसको हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ दिया गया है कि 1/2, यहाँ पर तो चार हिस्से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम समझेंगे यहाँ पर जो आकार दिया गया है उसको हमें दो हिस्सा में लेना है, यानी कि 1/2, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आधे पूरे भाग के अंदर हमें रंग भरना पड़ेगा। 3/4, यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमें पूरा गोल दिया गया है, उसके हमें चार हिस्से पहले करने हैं। आप देख सकते हो चार हिस्से हो गए, इसमें से हमें तीन हिस्से में, किसी भी तीन हिस्से में रंग भरना है। तो हम यहाँ पर 2 और 3 हिस्सा, इन तीनों हिस्सों में रंग भरेंगे, ये हो जाएगा 3/4। आगे की आकृति में देखेंगे, यहाँ पे चार हिस्से करके ही दिए गए, इसमें से हम कोई से भी तीन हिस्से में रंग भर सकते हैं, 1, 2, 3, तो ये भी हो गया हमारा 3/4। यहाँ पर आयत के चार हिस्से दिए हैं लेकिन यहाँ पर 1/4, 1/4 हिस्से में हमें रंग भरना है, तो इसमें से कोई सा भी एक हिस्से में हम रंग भरेंगे, ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर है 1/2, यानी कि पूरे एक आयत के हमें दो हिस्से करने हैं, इसमें दो हिस्सों में हमें बांटना है। तो यहाँ पर हमें तो छः हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 के दो हिस्से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3। तो हम ये जो राइट का निशान लगा रहे हैं उसके अंदर हमें रंग भरना है, 2 और 3, तो ये हो गया, तीन हिस्से में रंग भरा है और तीन हिस्से हमारे खाली हैं, ये हो गए 1/2। अब यहाँ पर एक आयत का चित्र दिया लेकिन उसमें कोई हिस्सा बनाया नहीं गया है, वो हिस्से हमें बनाने हैं, इसमें से हमें 3/4 हिस्से में रंग भरना है, तो हम इसके अंदर चार हिस्से बनाएंगे, ये दो हिस्से बन गए और इसमें से भी आधा करेंगे, यानी कि चार हिस्से। अब इसमें से हमें 3/4, यानी कि तीन हिस्से में रंग भरना है, 1, 2 और 3, ये हो गया हमारा 3/4। आधा काटे, एक रेखा खींच कर नीचे दी हुई आकृतियों को आधा करो। अब हमें यहाँ पर तीन आकृतियाँ दी गई है, उसे दो हिस्से में हमें बांटना है, तो हमें ऐसी रेखा खींचनी है कि दोनों हिस्से एक समान भाग में होने चाहिए। तो जैसे कि ये पंछी है, उसको दो समान हिस्से से लेकर इस तरीके से अगर हम बांटेंगे तो दो समान हिस्से हो जाएंगे।
यहाँ पर हमें स्टार दिया गया है जिसके पांच कोण दिखाई दे रहे हैं, पांच कोण स्टार है, इसको हमें इस रेखा से लेकर यहाँ तक हमें काटना है। तो आप देख सकते हो कि इसके दो समान हिस्से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कद्दू का चित्र है, उसे भी दो समान हिस्से में बांटना है, जिसको बीच से हम लाइन खींचेंगे तो आप देख सकोगे कि दोनों हिस्से समान हैं। आधी आकृतियों में रंग भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमें कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ हमें आयत के चित्र दिए गए हैं, उसमें से हमें आधे चित्र में रंग भरना है, यानी कि 8 का आधा होगा 4। इसमें से आप कोई से भी 4 में हमें रंग भर के दिखाया गया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी चित्र दिएंगे उसमें से हमें आधे कर दो हिस्से में करके एक हिस्से में हमें रंग भरना है। रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। अभी यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 4 हिस्से में से दो हिस्से में रंग भरा गया है, तो उसने आधे हिस्से में रंग भरा है और उसको बोलेंगे हम 1/2। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 4 हिस्से किए गए हैं और उसमें से एक हिस्से में रंग भरा गया है, यानी कि ये बोला जाएगा 1/4। और इसको 1/4 के साथ हमें जोड़ना है। अब ये जो तीसरा एग्जाम्पल है वो पूरा रंग भरा गया है, तो इसको हम पूरा के साथ बोलेंगे और 4/4 के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 हिस्सों में से तीन हिस्सों में रंग भरा गया है, तो इसको हम 3/4 के साथ जोड़ेंगे और 3/4 यहाँ पर। तो यहाँ पर आज का हमारा काम पूरा होता है। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने नोट में लिखनी है और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।